दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हाउ मेनी डिफरेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ 11 लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट। दिस इज अ 11 लेटर वर्ड रिक्वायरमेंट, इसकी अरेंजमेंट्स हमने बतानी है। तो ये टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, इनमें रिपीटेड लेटर्स जो हैं वो 3 हैं, ईज 3 ईज। और रिपीटेड लेटर्स 2 आर। तो टोटल हमारे पास है 11 लेटर्स रिक्वायरमेंट में और 3 ईज आर रिपीटेड, 2 आर रिपीटेड। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल 11 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 ईज आर रिपीटेड, 3 फैक्टोरियल इनटू 2 आर रिपीटेड, 2 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 2 6 4 0 0। दीज आर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सेकंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 11 लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट इन विच द टू आर्स आर टूगेदर, टू आर्स आर टूगेदर एंड 3 ईज आर टूगेदर। अब ये इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि हमने अरेंजमेंट बनानी है 2 आर्स आर टूगेदर एंड 3 ईज आर टूगेदर। तो हम इस तरह इसको लिख लेते हैं कि 2 आर्स जो हैं टूगेदर हैं, हमने इसको 1 कंसीडर करना है कि ये 1 लेटर ही है। नो 2 ईज, 3 ईज, 2 टुगेदर। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। The remaining letters are Q, U, I, M, N, T. ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो इनको 1 कंसीडर करना है, 1 और ये 2। तो ये इसकी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी 8 फैक्टोरियल, बिकॉज देयर आर 8 लेटर, इनको 1 कंसीडर करेंगे। तो सो आंसर इज 8 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 4 0 3 2 0। दीज आर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नाउ पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज How many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which there are exactly 3 letters between 2 R's? 2 R's के दरमियान exactly 3 letters हों। तो इसको हम बना लेते हैं कि ये 2 आर्स जो हैं, ये हम इनको यहाँ पे दीज आर 2 आर्स, एग्जैक्टली 3 लेटर्स
वो लेटर्स जो हैं वो हो सकते हैं, कोई लेटर्स भी हो सकते हैं इनके दरमियान। थ्री लेटर्स हैं, एग्जैक्टली थ्री लेटर्स बिटवीन 2 आवर्स। तो रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो हम उनको यूँ रख लेते हैं कि ये एक लेटर ये है, दूसरा लेटर दीज आर रिमेनिंग 6 लेटर्स। टोटल लेटर्स हमारे पास 11 हैं। थ्री हमने एडजस्ट कर लिए दोनों आर्स के दरमियान, दिस इज 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, और जो ये 2 आर हैं ये 11 पूरे हो गए। अब ये 2 आर्स के दरमियान 3 लेटर्स, एग्जैक्टली 3 लेटर्स हैं, ये एज ए होल हमें इसको एक ही चीज कंसीडर करेंगे। तो ये जो मैंने बॉक्स में बनाया ये यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ इन 2 लेटर्स के दरमियान भी आ सकता है, यहाँ भी, और इन प्लेसेस पे इनको इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हैं प्लेसेस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये 7। ये देखिए ये इस लेटर के और ये स्टार्ट में आ गया है, इन दोनों के दरमियान में है, ये है और दूसरा ये। तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये इसको हम लिखेंगे 7P1। 7 प्लेसेस में से किसी एक प्लेस पे आ सकते हैं। तो ये इसकी हमने अरेंजमेंट कर ली है, 2 आर्स और इनके दरमियान ये एग्जैक्टली 3 लेटर्स। तो इसको लिखेंगे 7P1। 7 प्लेसेस में किसी एक प्लेस पे इस सेट ऑफ लेटर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। नो, अब हमने देखना है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 लेटर्स हैं। यहाँ कुछ कोई लेटर्स भी आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट इस वर्ड में से कोई लेटर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आर को हमने एडजस्ट कर लिया, आर तो ऐसे ही रहना है। इन बिटवीन टू टू आवर्स देर आर 3 लेटर्स, 3 ये हैं और रिमेनिंग 6 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 9 हो गए। तो इनकी अरेंजमेंट होगी 9 फैक्टोरियल। अब हमने देखना है कि यहाँ पे 3 लेटर्स रिपीटेड भी हैं, वो ई ई और ई, इसलिए हम करेंगे 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 इज आर सेम। तो दिस इज द आंसर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वी गेट दिस 4 2 3 3 6 0, दिस इज द आंसर। नो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट डी, 5 5 ऑफ द 11 लेटर्स इन द वर्ड रिक्वायरमेंट आर सिलेक्टेड। अब क्वेश्चन जो है हमारा ये है कॉम्बिनेशन का, बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट, सिलेक्शन का वर्ड आ गया सिलेक्टेड, रिक्वायरमेंट वर्ड है, 5 लेटर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, 11 लेटर्स टोटल हैं। क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शन कंटेन एट लीस्ट 2 ईज एंड एट लीस्ट 1 आर, एट लीस्ट 2 इज एट लीस्ट 1 आर। तो टोटल हमने सेलेक्ट करने हैं 5। हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है क्वेश्चन में कि उन 5 में टू एट लीस्ट 2 इज हो और एट लीस्ट 1 आर हो। एट लीस्ट 2 मीन 2 आर मोर देन 2, एट लीस्ट 1 आर मीन 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल आर है ही उसमें 2। और ईज कितने हैं, 1 2
तो सो इसकी डिफरेंट ऑप्शंस बनेगी। नंबर वन, हम यहाँ पे टू इज ले लेते हैं, एटलीस्ट टू इज, हमने टू इज ले लिए और वन आर हमने ले लिया है, ये हमने तीन सिलेक्ट कर लिए हैं, करने कितने, फाइव। वो जो रिमेनिंग फाइव हैं वो हम कौन कौन से लेके, यहाँ पे हम ले लेते हैं जो रिपीटेड के बगैर लेटर्स हैं वो हैं हमारे पास, रिपीटेड हैं, रिपीटेड ई से थ्री और आर हैं टू। तो रिमेनिंग इनके अलावा जो है वो बाकी जो लेटर्स हैं वो हमारे पास हैं क्यू यू आई एम एन टी, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स हैं। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, थ्री लेटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, हमने टोटल करने हैं फाइव, तो ये बाकी टू रह गए वो यहाँ से सेलेक्ट होंगे, दीज आर सिक्स, क्यू यू आई एम एन टी, ये सिक्स लेटर्स हैं, तो हम सिक्स में से टू लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्स सी टू। तो ये हमारे पास थ्री ये और टू ये फाइव हो गए। अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी हमने हमारी कंप्लीट हो गई है कि एटलीस्ट टू ईज हैं, एटलीस्ट वन आर है। 62 का आंसर होता है 15। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम टू ईज ले लेते हैं, टू ईज सिलेक्ट कर लेते हैं और टू आर, ये हो गए फोर, तो वन रह गया है क्योंकि फाइव बनाने हैं, तो वन इसमें से लेंगे तो वो सिक्स सी वन लिख लेंगे हम। दिस इज सिक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम थ्री इज ले लें, थ्री इज एटलीस्ट टू इज, टू या मोर देन टू हो सकता है, थ्री इज ले लिए और आर हमने ले लिया है, वन हमें, अब ये हमारे पास फोर हो गए, हमें वन चाहिए वो यहाँ से ले गए क्योंकि हमने फाइव बनाने सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सिक्स सी वन, आंसर इज सिक्स। और एक और ऑप्शन भी है कि हम थ्री ईस्ट ले लिए, सेलेक्ट कर लिए हैं और टू आर जो है वो भी सिलेक्ट कर लिए हैं, अब हमारे पास फाइव आ गए हैं, फाइव सेलेक्ट करने से फाइव हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ये जो रिपीटेड के अलावा जो बाकी हैं इनमें से हम फिर कोई नहीं लेंगे, ये सिक्स हैं तो सिक्स सी जीरो, आंसर इज वन। अब हम इनको इनका टोटल कर लेंगे, 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, टोटल सिलेक्शंस हमारे पास होंगी, इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 28।